आपने न्यूज़ नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ, ये इंसिडेंट ईवाई पुणे एक एम्प्लॉय के साथ हुआ है। शी वॉज ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज सी ए एंड शी डाइड ड्यू टू ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्कलोड प्रेशर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें गलत कौन है? वर्क कल्चर तो है ही, नो डाउट, वर्क कल्चर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा यू नो फ्रस्ट्रेटिंग वाला है। बट ऐसा क्यों है, क्यों है? मेरा क्वेश्चन है कि क्यों ऐसे नॉर्म्स नहीं बनाए जाते कि जो वर्किंग आवर्स हैं, ऑफिशियल वर्किंग आवर्स हैं, वो 6 to 7 आवर्स ही रहेंगे, 5 days अ वीक रहेंगे। ऐसे नॉर्म्स क्यों नहीं बनाए जाते? क्यों हम लोगों को अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ को दांव पे लगाना पड़ता है? सबसे बड़ी बात है मजबूरी। हर इंसान की एक मजबूरी है, वो काम नहीं करेगा तो उसको नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे दूसरी जगह भी यही हाल है, कैसे कोप अप कर पाएगा? तो ये तो बिल्कुल ना जो दिक्कत है वो रूट्स में है, उसका कोई इलाज नहीं है। आज एक इंसिडेंट हुआ, कल 2 इंसिडेंट होंगे, फिर सब लोग भूल जाएंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, इसको कौन चेंज करे? जिसके हाथ में है वही चेंज कर सकता है, और तो कोई चेंज कर नहीं सकता। ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए वर्क कल्चर से रिलेटेड कि स्पेसिफिकली आपको 5 days अ वीक एंड स्पेसिफिक 6 to 7 hours पर डे आपको काम करना है। उसके बाद आपकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, आप उसको जियो। ये भी समझना चाहिए, हम लोग HR में, हम लोग हर चीज़ में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए ये होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए वो होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ पैसा नहीं होती कि आप एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पे कर दो, या फिर आप बोनस दे दो बाय द एंड ऑफ द मंथ, या आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दे दो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट है बट हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं है। अगर आप इतना ज़्यादा टाइम काम करवाओगे, कुछ करवाओगे, तो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली कम होगी ना। बाहर तो ऐसा कल्चर नहीं है, इंडिया में ही क्यों है? क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आज एक इंसान गया, उसके पेरेंट्स लाइफ टाइम सफ़र करेंगे, लाइफ टाइम। लास्ट ईयर ही सीए हुई थी उसकी, ठीक है, तो लास्ट टाइम ये सोचो कि उसके घर में कितनी खुशियाँ होंगी, ईवाई में जॉब लग गई है और ये सब है, बट ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो कौन ही चाहेगा? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए, कि काम करो, वर्कोहॉलिक भी रहो, बट अपनी जब हेल्थ पे बात आ जाए ना, तो स्टार्ट सेइंग नो। अपने पेरेंट्स का पहले सोचो, अपनी फैमिली का पहले सोचो। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बट हम अगर अपने उससे एक एक करके थोड़ा सा ये एक ना स्टेप लेंगे, तो शायद आगे जाके अभी इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, अगर हम अपने इस चीज़ में फर्म रहेंगे तो शायद 5-10 साल में आगे थोड़ा सा चेंज आए। और ये हर एक, अगर मैं बता रही हूँ, हर एक चीज़ में चेंज आना चाहिए। CA, CS, CMA या कोई भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है। आप एक स्टूडेंट हो जो CS है, वो मुझे देख रहे हैं और शायद वो इस चीज़ से अग्री भी करेंगे, प्लीज़ कमेंट करना, आप एग्री करोगे कि हम लोगों को बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना हमारा खून पसीना दिन रात एक करके हम CA, CS बनते हैं। लेकिन हमारी जो मार्केट है उसका हाल आप सबको पता है, और उसमें गलती दोनों साइड से है। देखो, अगर आप कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है और आप उठाने दे रहे हो, तो गलती दोनों की हुई ना। तो हर एक चीज़ में चेंज आने में मुझे पता है टाइम लगता है, और शायद टाइम इसमें भी लगेगा, बट होप है। और होप सिर्फ इसी मैसेज से है कि हर एक इंसान, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्रोफेशनल में हो, मतलब प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, प्लीज़ मेक अ नॉर्म, मेक अ उसूल कि आपको यह करना है। अगर इससे लिमिट एक्सीड होती है, तो स्टार्ट सेइंग नो। हर एक ह्यूमन की एक कैपेबिलिटी होती है ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे काम के हैं और 8 घंटे अपना सोने के हैं और 8 घंटे अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के हैं। तो एक नॉर्म बन जाना चाहिए कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं ऑफिशियल आर्ट्स। उसमें कोई मना नहीं कर रहा है, हर किसी को ग्रोथ चाहिए, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंसान हो, बट अपनी हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। आई होप आप इस वीडियो से अग्री करोगे, इसमें जो मैंने बोला है उससे अग्री करते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शेयर करो। आई जस्ट वॉन्ट कि ये मैसेज दूर दूर तक जाए और हर एक स्टूडेंट में, हर एक इंसान में एक चेंज आए। काम करने के लिए मना नहीं है, देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन दी बिटवीन आलसी एंड बिटवीन जो काम करता है। तो एक चेंज आना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे हम लाएंगे, हमारी आगे की जनरेशन लाएगी, सब होगा, तो शायद जाके एक बड़े लेवल पे चेंज आ पाएगा। लेकिन वी शुड स्टॉप सच इंसिडेंट्स टू हैपन इन फ्यूचर, जस्ट होप।